आप सभी विद्यार्थियों का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से ग्राफी विधि से गति का प्रथम और द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और इसका तृतीय समीकरण अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उन्हें चैप्टर वाइज सभी विषयों का अध्ययन कराया जा सके। और आप सभी छात्र छात्राओं का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज हम ग्राफी विधि से गति का प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे। मान लेते हैं कि यह समय और वेग के बीच एक ग्राफ खींचा गया है। मान लेते हैं इसके प्रारंभिक वेग स्मॉल u और अंतिम वेग इसका b है। प्रारंभिक वेग बिंदु A पर बिंदु A से C तक जाने में t समय लेता है और इस पर एक ढाल बनता है जो कि tan थीटा होता है। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग b हो, तब देखते हैं। OD बराबर AC के OD बराबर AC और OD बराबर स्मॉल t, OA बराबर OA बराबर DCK या फिर CDK स्मॉल u। अब देखते हैं OE बराबर स्मॉल BK, OE बराबर OE बराबर DBK या फिर BDK स्मॉल b, AE बराबर होगा BCK, AE बराबर BCK, BCK। अब हमें BC का मान निकालना है तो देखेंगे पूरी दूरी में से BD में से CD घटा देते हैं तो आ जाएगा B माइनस U। अब देखते हैं तो एक छोटा सा फार्मूला होता है, ढाल बराबर जिसको हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब का मान है BC और बटे कड़ का मान है AC, BC बटे AC। BC जो है ये वेग परिवर्तन है और AC क्या है समय अंतराल, अर्थात tan थीटा हो गया त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो BC का मान B माइनस U और AC का मान स्मॉल t। अब हम त्रिया गुणा कर देंगे, A का गुणा t में करेंगे तो A इंटू t और B माइनस u, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस इक्वल टू b, और ये हो गया गति का प्रथम समीकरण।
अब हम गति के द्वितीय समीकरण का निगमन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। जैसा कि फिगर में बताया गया है, अब हम देखते हैं गति के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल यस से, और तय की गई दूरी यह होगा ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, जो कि यह एक समलंब है, और समलंब है देखते हैं। फिर ओ ए सी डी जो कि एक आयत है, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, और प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटे दो आधार गुणे लंब। अब आयत का क्षेत्रफल ओ ए गुणे ओ डी प्लस एक बटे दो ए सी गुणे बी सी। अब हम वैल्यू रखते हैं, ओ ए इक्वल टू होता है स्मॉल यू गुणे ओ डी का मान है स्मॉल टी प्लस हाफ, ए सी का मान है स्मॉल टी गुणे ए इंटू टी, बी सी का मान है ए इंटू टी इक्वल टू यू का गुणा टी में किए यू टी प्लस हाफ, टी का गुणा ए टी में करेंगे तो आ जाएगा ए टी स्क्वायर, और यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यह है गति का दूसरा समीकरण जो कि सिद्ध हो गया।